फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स वेलकम्स। आज आपको मैं बताऊंगा एक होम्योपैथिक दवा अल्फ़ा एच ए कॉम्बिनेशन की है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ इसमें ये यूज़ कहाँ किया जाता है, कितने ड्रॉप यूज़ करना है, सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा किस में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स तो इसके पहले आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो नॉलेजेस वीडियो आपको मिल सकें। प्रेस को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। फ्रेंड्स तो जो हमें हेडेक होता है, जैसे सर में दर्द बना रहता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, आप लोग लापरवाही करते हैं कि जल्दी से इसकी दवा नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स तो इसके साथ ही साथ आप इसमें जो हेडेक होता है ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। हेडेक होता है क्योंकि फ्रेंड्स हेडेक जो होता है डिस्टर्बिंग योर नॉर्मल डेली लाइफ, मतलब कभी आप शाम को नहीं सो रहे हैं, कभी दिन में नहीं सो रहे हैं। फ्रेंड्स इसकी वजह से जो हमारे शेड्यूल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे साथ दर्द पकड़ लेता है। उसके साथ ही साथ अगर ये दर्द काफ़ी दिनों तक चलता रहता है फ्रेंड तो ये माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। माइग्रेन हो जाता है तो फिर डॉक्टर बोलता है कि ये आपको जीवन भर दवा लेनी होगी, ये फलाना ढमाका। तो हम आपको आपको सिंपल तरीका बताना चाहते हैं कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसके साथ साथ आप कुछ हमारे कहने के अनुसार मेडिसिन लें तो आई होप बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स जैसे अल्फ़ा एच ए यूज़ करना है, कुछ हम आपको हेडेक और माइग्रेन के बारे में बता दें। हेडेक जो होता है वो शुरुआत में होता है फ्रेंड्स, मतलब इनिशियली स्टेट में होता है, जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और उसके बाद में वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 24 घंटा आपके सर में कभी तेज़ दर्द होगा, कभी हल्का दर्द होगा। फ्रेंड्स इसके साथ में जो सिम्टम्स जो आते हैं वो हो जाता है फ्रेंड्स माइग्रेन, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, फीवर, फ्लू एंड कोल्ड और स्ट्रेस, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इन बीमारियों से ग्रसित कर देती हैं। फ्रेंड्स तो गिव रिलीफ इन द वेरियस टाइप्स ऑफ हेडेक एसोसिएट विथ माइग्रेन, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, फीवर, कोल्ड, फ्लू एंड स्ट्रेस, इन सभी चीज़ों को फ्रेंड्स ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ अल्फ़ा एच ए, आप शॉबी की मेडिसिन से किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पर जाकर ले सकते हैं और इससे आपका जो हेडेक और माइग्रेन है, कभी कंजेशन हो जाता है सर में तो भी हेडेक होता है फ्रेंड्स, लेकिन वो दूसरी चीज़ है, लेकिन कंटिन्यू हेडेक बना रहता है तो आगे चल के माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि इसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप दैनिक जीवन में, जैसे कि आप नियमित सोएं, जैसे शाम को अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इवनिंग या फिर अर्ली नाइट सो जाएं, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, कहने का मतलब कि शाम को 10-11 बजे तक डेली आप सो जाएं, सुबह में 4-5 बजे उठ जाएं। इसके साथ कोई बहुत सारे लोग मजबूरी होती है कि रात भर उनको जगना पड़ता है, फिर दिन में भी वो नहीं सोते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ कि आप जैसे मान लीजिए रेगुलर आप नाइट को सो रहे हैं और दिन में जग रहे हैं, अगर इसका उल्टा आप एक दिन कर लेंगे या दो दिन करके आप देख लीजिए, खुद आपको सरदर्द होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपका जो माइंड का शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है। तो उसको या तो आप सो के स्लीपिंग करके मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर कुछ होम्योपैथिक दवा लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में आप एक दवा होम्योपैथिक में डाइल्यूशन है बेलाडोना, बेलाडोना भी आप यूज़ कर सकते हैं 200 पोटेंसी की, 2-2 ड्रॉप 15 दिन तक आप ले सकते हैं, इससे भी आपका माइग्रेन में बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ में जो मैंने आपको सोबी की मेडिसिन से बताया है अल्फ़ा एच ए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रेंड्स, माइग्रेन्स में, फीवर्स में, कोल्ड, फ्लू में, स्ट्रेस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सबको रिमूव कर देता है फ्रेंड्स। इसको आप अवश्य यूज करें। इसको लेना कैसे, आप इसको 10-10 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं ठंडे पानी में फ्रेंड्स, 30 ml, 200 ml या फिर जितने भी आपको मतलब स्वादानुसार, जैसे कभी कम पानी रहता है तो मेडिसिन आपकी बहुत तीखी लगती है फ्रेंड्स, और उसको पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लीजिए, उसमें 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आप रेगुलर लीजिए। जब आपका सर दर्द फ्रेंड्स ख़त्म हो जाए तो इस दवा को लेना बंद कर दीजिए और अपनी दिनचर्या को सुधार लीजिए फ्रेंड्स। आई होप बिल्कुल आपका हेडेक गायब हो जाएगा, माइग्रेन एकदम गायब हो जाएगा। और इसके साथ में आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नॉलेजेस वीडियोज़ आपको मिल सकें, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके, थैंक यू।